जी जी इस साइड पे हवेली भी है जनाब, वो भी असं चेक कर दे। वेख लो बड़ी वधिया जी हवेली बनी है। जी जी एक इनका सिख जरनैल था जिसका नाम था हरी सिंह नलवा। अच्छा। और दूसरे इनके कमांडर थे रंजीत सिंह। जी जी ये उनके कमांडर थे। ये उनकी हवेली है, इसकी जो है फ्रंट वाले हिस्से में म्यूजियम बना था और सेकंड वाले हिस्से में अभी जो है उस वक्त इसकी फौज थी, लेकिन अभी जो है दोनों साइडों पे जो है वो शीशे लगे हैं और उनके अंदर पुराने पत्थर पड़े हुए हैं। तीसरे हिस्से में जो है वो हरी सिंह नलवा की फैमिली की रिहाइश थी। ठीक है। इस हवेली के तीन हिस्से हैं। जबरदस्त है भाई, दरवाजे भी उस जमाने कितने खूबसूरत बनाते सी ते उस कंडीशन च आ गया जी हवेली दे अंदर। इसके फ्रंट वाले हिस्से में इनके जो है वो पुराने दरवाजे हैं। जी जी ठीक है। ये दो पुराने दरवाजे। अच्छा आप दो पुराने दरवाजे ने देख लो जी, ये दरवाजे उसी तरह ने जिस तरह पहले से देख लो। तो इस साइड पे भी और एक ये जो है पुराना उस वक्त जो है वो पूरी ना दरवाजा है, ये फ्रंट पे था। अच्छा ये उस टाइम था। अच्छा ये फ्रंट पे लगा है, ये दरवाजे थे। अभी इसमें जो है दरवाजे वगैरह जो है वो नए लगाए गए। अच्छा ठीक है। ये उस वक्त के जो है ओरिजिनल दरवाजे हैं जो उस टाइम के सी। देख लो जी कितने जबरदस्त हैं, हर एक चीज इन्हें सेव करके रखी है दे अंदर। इसके बाद इसका सेकंड हिस्सा जो है वहाँ पे बकायदा हरी सिंह नलवा की जो फौज थी। जी जी उसकी उस वक्त रिहाइश थी फौज की। अच्छा। इसकी फौज का जो एरिया था वो ये था। अभी इस दोनों साइडों पे जो है शीशे के अंदर इनके पुराने पत्थर पड़े हुए हैं। अच्छा ठीक है। मेन इनमें जो है वो इसी तरह शिवलिंग वाला पत्थर पड़ा है सामने और आटा पीसने वाली जो चक्की है वो पड़ी है और दूसरी साइड पे जो है इनकी बकायदा हिंदी की जो है वो लिखी हुई तख्तियां जो है वो अंदर पड़ी है, नेम प्लेट जो है वो अंदर पड़ी है। दोनों साइडों पे इनके पुराने पत्थर पड़े हैं जिनके ऊपर जो है वो डिजाइन बने हुए हैं। तीसरा ऐसा जो है ये हरी सिंह नलवा की फैमिली की रिहाइश थी। अच्छा ये फैमिली रिहायश है उन्होंने घर से हाँ जी। ये उनके इनके जो था वो घर था, इसकी फैमिली की रिहायश थी। अच्छा इसमें एक बड़ा हाल जो है हाँ देख लो जी, ये बरामदे हैं दोनों साइडों पे छोटे छोटे। जी जी ठीक है। और ये एक बड़ा हाल है थोड़ा सा ठीक है। अच्छा ये बड़ा हाल है ना फैमिली हाल का, इसकी दोनों साइडों पे साथ छोटे छोटे कमरे हैं। जबरदस्त देख लो जी, बहुत ही जबरदस्त है जी। और इस हवेली की चारों कोनों पे जो है वो हिफाजती चेक पोस्टें बनाई गई हैं, जो उस वक्त इनके फौजी जो थे वो यानी कि ड्यूटी दिया करते थे। जी जी आज ये भी आपको दिखाते हैं। ये पूरी हवेली की चारों कोनों पे इसी तरह जो है उनकी हिफाजती। अच्छा, चारों पोस्ट बनाई गई है। अच्छा, अच्छा। ये पूरी हवेली की चारों कोनों पे है जो उस वक्त यानी कि तीरंदाजी के लिए जो बनाई गई थी। देख लो जी पूरी नानी चेक पोस्ट सा बनी है जबरदस्त, तीरंदाजी वास्ते किस तरह छोटे छोटे मोर बने हवेली की चारों साइड पे बनी है। ते बिल्कुल ये उन्होंने प्रोटेक्शन वास्ते बनाया गया सी। जी जबरदस्त जी, माशाल्लाह भाई उन्होंने काफी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी सी इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे सन ते बारे पता नहीं सी, अगर भाई ना होंदे ते सारा सिस्टम पूरा नहीं सी होना। ते इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर तुहाडे नाल मुलाकात होंदी रहेगी। सानू दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।